फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ला। चिल्ले के लिए मैंने ले लिया एक बाउल। उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप सूजी, और हाफ कप इसमें डालूंगी, एक फुल कप डाल दूंगी मैं इसमें आटा, और एक फुल कप डाल दूंगी इसमें बेसन, और मैं इसमें ऐड करूंगी वाटर, ऐसे थोड़ा सा डाल, फिर इसको कर लूंगी मिक्स। और थोड़ा सा पतला पतला बनाना है हमने इसमें, तो इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। तरह से इसके लम्स निकाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पतला सा बैटर बना लिया, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के इसको साइड पर रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया मैनुअल चॉपर। इसमें मैंने दो हरी मिर्ची को इस तरह से कट करके डाल रही हूँ, और एक मैं डाल रही हूँ प्याज, पूरा कट करके इसमें डाल दूंगी इस तरह से, और इसको मैं मैनुअल चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। ये मैंने कट कर लिया है इसको, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं उसी में ही। इस बैटर में हम डाल देंगे प्याज, हरी मिर्ची, तो फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। आप इसमें कोई भी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, गाजर और बंद गोभी, गोभी को छूर के, गाजर को छूर के वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल सा बना रही हूँ, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया डाल के, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, हम इसको कर लेते हैं अब अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले, और कोई लम्स नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हम इसको पतला करना चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पतला करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कर दिया मिक्स। अब हम इसको डालेंगे बैटर को अपना तवे पे, तवा गरम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तवा जो है वो गर्म हो गया। मैं इसके ऊपर ऑलिव ऑयल की ब्रशिंग कर रही हूँ हल्की सी, बस। अब मैं इसके ऊपर अपना बैटर डाल के इसको बनाऊंगी चिल्ला। आप जितना बड़ा करना चाहते हैं आप बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे बनाना चाहते हैं तो आप एक कड़छी डालिए, अगर आप इससे बड़ा करना चाहते हैं तो आप तीन कड़छियां डालिए। मैंने इसमें दो कड़छियां डाली है, और हम इसको इस तरह से फैला लेते हैं। अब इसको एक साइड से पकने का इंतजार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक साइड से लग रहा है कि पकना शुरू हो गया। तो अब हम इस साइड पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल की ड्रॉपिंग करेंगे एक दो, ताकि बस ये नीचे से चिपके नहीं, वैसे चिपकेगा नहीं क्योंकि नॉन स्टिक पैन है। तो इस तरह से हम इसको साइड से निकालते हुए एकदम बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में था, तभी एकदम बिल्कुल सही निकला है, और हम इसको उल्टा कर देते हैं और इस साइड से भी पकने देते हैं हम इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको टर्न करते हैं, और देखिए इस तरह से ये पक गया है। अब इसको थोड़ा सा और नीचे से सेक लेते हैं, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से सिक चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिल्ले को सर्व किया है दही के साथ। बहुत ही यम्मी और हेल्दी चिल्ला बनता है, तो आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।